नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, बनरक्षक, बनपाल, राजस्थान SI, राजस्थान पुलिस, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर मगध राज का उत्कर्ष है। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 70। जी हाँ दोस्तों, इन 70 प्रश्नों में आपको मगध साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको मौर्य साम्राज्य दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। और ये जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 114वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, इससे पहले हमने आप लोगों के लिए 113 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा बने रहिए आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले हमने यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमने आपको कवर करवाया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु काल, वैदिक काल ये कंप्लीट हो चुका है, वैदिक काल महाजनपद काल ये कंप्लीट हो चुका है, जैन धर्म बौद्ध धर्म ये कंप्लीट हो चुका है, और वैष्णव धर्म ये सभी धर्म कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो कॉन्सेप्ट आ चुका है दोस्तों यहाँ पर 6वें नंबर का, यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है दोस्तों यहाँ पर 100% दोस्तों यहाँ पर, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है 100% कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पर। मगध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से 100% एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, रीट की, बनरक्षक, बनपाल, राजस्थान SI, तो दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर लीजिएगा। और प्लीज बताना कि 70 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर, एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर मैं और यहां पर ऑफिशियली प्रश्न बैंक के आधार पर दोस्तों यहां पर एक एक प्रश्न एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं दोस्तों यहां पर। तो बने रहिए, जमकर कीजिएगा दोस्तों यहां पर इसको। चाहे देखिएगा दोस्तों यहां पर राजस्थान के दो महत्वपूर्ण बोर्ड है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर RVSE और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड RSMSB, दोस्तों इनमें से ही यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो दोस्तों जमकर अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहां पर। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है आ चुका है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम सिकंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों यहां पर। तो क्यूज स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर, तैयार हो जाइएगा, तैयार हो तो बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। देखिएगा बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बृहद्रथ को हराकर मगध की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 544 सीसापुर में बैठा था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये बृहद्रथ कौन था दोस्तों? मगध में सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था दोस्तों यहां पर, जहां से यानी कि मगध की शुरुआत होती है, राजवंशों की शुरुआत होती है, तो वहां पर दोस्तों यहां पर ये जो बृहद्रथ था दोस्तों यहां पर वो शासक था, और जो बृहद्रथ का जो पुत्र था वो जरासंध था दोस्तों यहां पर, ध्यान रखना। अब बृहद्रथ को हराया था किसने? यहां पर बृहद्रथ को हराया था दोस्तों यहां पर यानी कि बिंबिसार ने हराकर और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों यहां पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि वह प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था कौन सा था? बिंबिसार, अशोक, या फिर बृहद्रथ, या फिर अजातशत्रु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही है, बिंबिसार हो जाएगा। और ये बिंबिसार कौन था? मगध की राजगद्दी पर हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों यहां पर, जिसने अपने राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों यहां पर 544 ईसा पूर्व में की थी, ध्यान रख लेना। ईसवी पूर्व, ईसवी अलग है और ईसा पूर्व अलग है दोस्तों यहां पर, कंफ्यूज मत होना। ईसा पूर्व में उल्टी गिनती चलती है और ईसवी में सीधी गिनती चलती है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था? 40 वर्ष, 45 वर्ष, 52 वर्ष, या फिर 32 वर्षों तक? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 52 वर्षों तक दोस्तों यहां पर बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर शासन किया था। देखिएगा दोस्तों यहां पर इसके शासन काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, इसने महात्मा बौद्ध की सेवा के लिए दोस्तों यहां पर आजीवक वैद्य को भेजा था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, अजातशत्रु, नागदशक, या फिर कालाशोक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु ने की थी। और ये अजातशत्रु कौन था? ये अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों यहां पर, जिसने यहां पर अपने पिता की हत्या करके दोस्तों यहां पर मगध राजगद्दी पर बैठा था 493 में।
आपको पता है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो बिंबिसार हुआ था ये 544 में गद्दी पर बैठा था और दोस्तों यहाँ पर 493 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद इसने कितने सालों तक शासन किया था, 52 वर्षों तक शासन किया था मगध राज पे दोस्तों यहाँ पर। इसने यानी कि 3 राजकुमारियों के साथ विवाह किया था दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो माना जाता है यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इसकी 100 पत्नियां थी दोस्तों यहाँ पर। हाँ सॉरी 100 पत्नियां थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण पत्नियां थी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक तो महाकौशल्या थी दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है महाकौशल्या थी, चेलना थी और श्रेमा थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पर किसने शासन किया था। दोस्तों कड़ी से कड़ी जोड़कर याद कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक चीज मैंने प्रश्न को यानी कि वहीं से उठाया है जहां से उसकी कड़ी जुड़ती है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अटेंड कीजिएगा और बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गुप्त साम्राज्य इसी तरह किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कड़ी से कड़ी जोड़कर। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार की जो मृत्यु के बाद मगध राजगद्दी पर किसने शासन किया था। बिंबिसार बताना होगा, शिशुनाग, काला शोक, नाग दशक या फिर अजात शत्रु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अजात शत्रु ने शासन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर शैव धर्म का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ये जैन धर्म का था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, 32 वर्षों तक, 40 वर्षों तक या फिर 52 वर्षों तक या फिर 36 वर्षों तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 32 वर्षों तक शासन किया था। देखिएगा मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों यहां पर, वैसे हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी मगध पर वो हुई थी दोस्तों यहां पर 544 में हुई थी, और मगध साम्राज्य पर जो हर्यक वंश ने शासन किया था वो 132 वर्षों तक किया था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर का शासक कौन बना था। देखिएगा अब अजात शत्रु की हत्या की थी किसने, की थी नागदशक ने, शिशुनाग ने, उदयन ने या फिर घनानंद ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, बृहद्रथ, अजात शत्रु, उदयन या फिर नागदशक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना होगा आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि उदयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन या फिर नागदशक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, नागदशक हो जाएगा। और ये नागदशक कौन था, ये उदयन का पुत्र था दोस्तों यहां पर, जिसने किसको यहां पर नागदशक को किसने परास्त किया था। तो नागदशक को जो परास्त किया था वो यहां पर शिशुनाग ने किया था, और ये शिशुनाग ने परास्त करके शिशुनाग की स्थापना की थी 412 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। देखिएगा एक चीज बता देता हूं दोस्तों यहां पर कंफर्म हो रहा है, यानी कि देखिएगा सबसे पहले जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो कौन था, बिंबिसार हुआ था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ था अजात शत्रु हुआ था, अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अजात शत्रु बैठ गया था। अजात शत्रु को कुंटिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहां पर। देखिए इसके बाद उदयन गद्दी पर बैठा था, अजात शत्रु की हत्या करके, यानी कि अजात शत्रु का पुत्र कौन था, उदयन था, इसने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जो नागदशक हुआ था, ये नागदशक की जो हत्या की थी वो शिशुनाग ने की थी, और यहां पर मगध की राजगद्दी पर जो दूसरा राजवंश हो जाता है वो आ जाता है दोस्तों यहां पर, यानी कि शिशुनाग वंश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 412 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शिशुनाग, काला शोक या फिर अजात शत्रु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ने की थी दोस्तों यहां पर। ये शिशुनाग कौन था, ये दोस्तों यहां पर यानी कि मगध जो साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था, यानी कि यहां पर नागदशक था, उसका दोस्तों यहां पर ये सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, काला शोक, नंदीवर्धन, महापद्म नंद या फिर घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, काला शोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये काला शोक ने क्या किया था दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल सही है, इसने क्या किया था, यानी कि जो शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी दोस्तों यहां पर पाटलिपुत्र को बनाया, वैशाली को बनाया था दोस्तों यहां पर, उसके बाद दोस्तों यहां पर वैशाली को हटाकर
होकर पाटलिपुत्र पुनः स्थापित किया था दोस्तों यहाँ पर कालाशोक ने अपनी राजधानी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, महापद्मनंद, नंदीवर्धन, अरस्तु या फिर जीवक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि नंदीवर्धन था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस नंदीवर्धन को किसने परास्त किया था, महापद्मनंद ने किया था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक हो जाता है पद्मनंद हो जाता है, महापद्मनंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मगध साम्राज्य पर नंद वंश का संस्थापक था कौन था, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो यहां पर घनानंद था। जी हाँ दोस्तों, घनानंद ने ही दोस्तों यहां पर आचार्य चाणक्य को अपने राज्य से निकाला था और आचार्य चाणक्य ने दोस्तों यहां पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। दोस्तों ये जोड़ा है जिसमें यहां पर मगध साम्राज्य पर शासन किया था, तो ध्यान रख लेना ये राजवंश है। देखिएगा सबसे पहले आपको पता है मगध राज पर शासन किया था दोस्तों यहां पर हर्यक वंश ने, जिसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार हुआ था, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, शिशुनाग हुआ था यानी कि जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक हुआ था दोस्तों यहां पर, यह भी बिल्कुल सही है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था दोस्तों यहां पर, यह भी सही है। तो इनमें से यानी कि कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, यानी कि सभी जोड़े आपके सही है दोस्तों यहां पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, महापद्मनंद, उदयन, सेलुकस निकेटर या फिर घनानंद को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद को परास्त किया था दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों सिकंदर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर। उसके बाद दोस्तों यहां पर मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होगा इसी पार्ट में, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जो सिकंदर का जो जन्म हुआ था तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 356 में हुआ था, सॉरी जी हाँ दोस्तों 356 में ईसा पूर्व में हुआ था यानी कि सिकंदर का जो जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, अरस्तु या फिर लियाकत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि सिकंदर के पिता का जो नाम था यहाँ पर फिलिप था। अगर इसके गुरु का नाम पूछे तो अरस्तु होगा, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर अरस्तु होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि हर प्रश्न को मार्कर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों ने स्क्रीनशॉट भेजी है दोस्तों यहाँ पर, उनको बहुत अच्छा लगा, रोज वो 800 से 900 प्रश्नों पर मार्कर करते हैं और उनको पता है दोस्तों यहाँ पर कि वहां पर 80 से 90% उनको याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न। अब मौका है दोस्तों यहाँ पर जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर आपके पास जितनी भी बुक है दोस्तों यहाँ पर उन पर मार्कर करना स्टार्ट कर दो, याद करना स्टार्ट कर दो दोस्तों यहाँ पर। समझ तो आपने बहुत लिया दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब आपको मार्कर करना है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा यानी कि किसी स्टूडेंट ने दोस्तों यहाँ पर हमको भेजा है यहाँ पर, ये तो देखिएगा किस अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर उसने मार्कर किया, एक एक प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर याद किया है। देखिएगा वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कक्षा 12वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं की बुकों का भी उपयोग करते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत स्टूडेंट। तो अपने जीवन में उतारिए दोस्तों यहाँ पर मार्कर करने की ट्रिक को दोस्तों यहाँ पर, 100% आपको यहाँ पर 90 से 95% प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, एक बार टच कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। टच करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों यहाँ पर, बल्कि आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर, नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर हर वीडियो के, और हर वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है दोस्तों यहाँ पर, और मॉडल टेस्ट पेपरों की प्लेलिस्ट में बहुत जल्द डालने वाला दोस्तों यहां पर। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा 345 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या फिर 305 ईसा पूर्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की राजगद्दी पर शासन कब से कब तक रहा था। ऑप्शन आपके सामने है 322 से 298 ईसा पूर्व या 375 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व या फिर 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व या फिर 305 ईसा पूर्व से 278 ईसा पूर्व तक।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक या फिर चंद्रगुप्त या फिर अरसु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मौर्य वंश का संस्थापक बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका, अर्थशास्त्र, भारत एक खोज या फिर सामवेद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, जो पुस्तक लिखी गई थी वो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहां पर, इनको भी अच्छी तरीके से क्रैक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? मेगस्थनीज, कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सेलुकस निकेटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये मेगस्थनीज कौन था? ये दोस्तों यहां पर यानी कि यूनान से आया हुआ राजदूत था दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहता था दोस्तों यहां पर, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी दोस्तों। मेगस्थनीज को भारत के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब हराया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था, किसको? सेलुकस निकेटर को, और सेलुकस निकेटर की पुत्री से यानी कि हेलेना से दोस्तों यहां पर इसने विवाह किया था दोस्तों यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य पर किसने शासन नहीं किया था? ऑप्शन आपके सामने है, हर्यक वंश ने, सुनाग ने, चौहान वंश ने या फिर नंद वंश ने? दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों यहां पर, मैंने आपको बताया था फर्स्ट बार में ही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहान वंश ने मगध साम्राज्य पर कभी शासन नहीं किया था। ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री था कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, यानी कि देखिएगा कौटिल्य को यहां पर दोस्तों यहां पर यानी कि प्रधानमंत्री था दोस्तों यहां पर, जो कि विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मगध पर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर महेंद्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, उपयुक्त में से सभी। देखिएगा चाणक्य एक बहुत बड़ा विद्वान था दोस्तों यहां पर, यानी कि ध्यान रखना उसके बारे में एक महत्वपूर्ण डिटेल आती है दोस्तों यहां पर, अभी आने वाली है दोस्तों यहां पर, तो उसको ध्यान से पढ़ना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी? ऑप्शन आपके सामने है, उपगुप्त ने, सुद्रोधन ने, अशोक ने या फिर चाणक्य ने? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, चाणक्य, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? दोस्तों प्रश्न को यहां पर घुमाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों यहां पर, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इस तरह प्रश्न अगर कोई प्रश्न घुमाता है आपको, घुमाता है तो ध्यान रखना उस प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड जरूर करना। अब देखिएगा इसको पढ़ो, अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो किसके समकालीन था? आपको पता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, लेकिन आपको इतना पता नहीं है कि वो किसके समकालीन था, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहां पर। प्लीज सभी स्टूडेंट बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों यहां पर। 38 क्वेश्चन और बचे हुए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि दक्षशिला विश्वविद्यालय था, और ये कहां पर था? ये अभी वर्तमान में रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर,
देखिएगा इसी विश्वविद्यालय का दोस्तों यहाँ पर आचार्य कौन था, ये दोस्तों यहाँ पर यानी कि चाणक्य था, ध्यान रख लेना। और चाणक्य यहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पर शिक्षा ग्रहण करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, बताएगा आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, राजनीतिक जीवन के बारे में दोस्तों यहाँ पर अर्थशास्त्र में पूरा विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, ऑप्शन आपके सामने श्रावण गोलबेला कर्नाटक या फिर श्रीवास्तव बिहार या फिर पांचाल या फिर गंदार दक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रावण गोलबेला कर्नाटक में हुई थी, उपास के दौरान हुई थी। कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। और गद्दी पर ये कब बैठा था, ये बैठा था 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था, ऑप्शन आपके सामने अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर बिंदुसार बैठा था। और ये बिंदुसार किसका पुत्र था, ये बैठा था दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और देखिएगा जो बिंदुसार का जो पुत्र हुआ था वो अशोक हुआ था, जो कि उसके बाद राजगद्दी पर बैठा था, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। एक एक साम्राज्य के संस्थापक आपको यहाँ पर रटने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिंदुसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल आ रही है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुधारा थी, जो कि मगध शासक घनानंद की बहन थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का विनाश करने के लिए करने के बाद उसकी बहन दुधारा से विवाह किया था, जिसे उसके पुत्र बिंदुसार का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य उन्हें उनके खाने में शत्रुओं द्वारा जहर देने से बचाने के कारण उनके खाने में बहुत कम मात्रा में जहर मिलाया गया था। एक दिन वही खाना चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुधारा ने खा लिया था, जिसके कारण उसके समस्त शरीर में जहर फैल चुका था और वह गर्भवती थी। जब दुधारा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए चाणक्य से कहा था कि तुम मेरे पुत्र को बचा लो, तब जाकर चाणक्य ने उसका पेट चीर कर उस नवजात शिशु को निकाला। दुधारा द्वारा जहरीला भोजन सेवन करने के कारण बिंदुसार के माथे पर जहर की एक बूंद बनी हुई थी दोस्तों यहाँ पर, जिस कारण उसका नाम बिंदुसार रखा गया था। तथा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय पत्नी विदेशी शासक सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका नाम हेलना था। इससे उन्हें जस्टिस नाम को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नी प्रथम दुधारा और द्वितीय हेलना थी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ऐसे रोचक तथ्य आपको पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, अगर यहाँ पर थोड़ा डीपली आप पढ़ोगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये जो रोचक तथ्य है दोस्तों यहाँ पर, इससे आपको बहुत चीजें याद हो रही है। एक तो आपको देखिएगा चंद्रगुप्त की दोनों पत्नियों के बारे में आपको पता चलता है दोस्तों यहाँ पर। एक चलता है चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार हुआ था दोस्तों यहाँ पर, उसके बारे में पता चलता है, उसकी माता के बारे में आपको पता चलता है। एक चलता है दोस्तों यहाँ पर हेलना के बारे में चलता है, जो कि विदेशी पत्नी थी, जो कि सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको ये कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर इसने आपके दिल को जीता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न को मैं वहां से उठाकर लेकर आता हूँ दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके प्रश्न बैंक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, आपके आने की संभावना बनती है दोस्तों यहाँ पर। आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ये प्रश्न बहुत मायने रखते हैं दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न को आपको क्रैक करना होगा, तब जाकर आप 17 से 18 लाख स्टूडेंटों से आगे निकल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मैं बार बार कहता हूं दोस्तों यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ऐसा मौका बार बार नहीं आता दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, बताएगा अमित्रघात, भद्रसार या फिर अश्वघोष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और यह अमित्रघात किसको कहा जाता है, यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला अमित्रघात होता है दोस्तों यहां पर, उसका अर्थ यह होता है यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 16 राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है, अशोक को, बिंदुसार को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर अजातशत्रु को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को कहा जाता है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर बृहद्रथ या फिर उपगुप्त या फिर अशोक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जो यहां पर अशोक था, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अशोक महान राज गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन आपके सामने है, 269 ईसा पूर्व में, या फिर 261 ईसा पूर्व में, या फिर 245 ईसा पूर्व में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही है आपका 269 ईसा पूर्व में। दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, क्योंकि मैंने आज मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो आपको बहुत अच्छे डिटेल में बताया है दोस्तों यहां पर, इसलिए थोड़ा ये वीडियो यानी कि बड़ा हो सकता है दोस्तों यहां पर, लेकिन आपको ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है। अगर पहली बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार जरूर देखिएगा दोस्तों यहां पर, दूसरी बार 100% समझ में आएगा। और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हमेशा के लिए दोस्तों यहां पर आपके माइंड में फीड हो जाती है, उस चीज को आप कभी भी नहीं भूल सकते हो दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो 261 ईसा पूर्व में। जी हाँ दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कुमारगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर अशोक के शासनकाल में दोस्तों यहां पर शिलालेखों का प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्र संगमित्रा को, या फिर बिंदुसार को, या फिर कुमारगुप्त को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर महेंद्र और संगमित्रा को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? हिंदी यूनानियों ने जारी किए थे, सकों ने, कुषाण ने, या फिर पल्लव ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हिंदी यूनानियों ने किए थे दोस्तों यहां पर। और ये सिकंदर कौन था? ये यूनानी शासक था दोस्तों यहां पर, सिकंदर मेगास्थनी, सेलुकस निकेटर, ये यूनानी थे सब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बताना होगा करेक्ट आंसर, अशोक, शिशुनाग, गौटिल या फिर उपगुप्त? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न दोबारा आया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहां का राज्यपाल था? ऑप्शन आपके सामने, अवंती, गंधार, काबुल या फिर मकरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती का था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, 11वें शिलालेख में, 14वें शिलालेख में, या फिर 5वें शिलालेख में, या फिर 13वें शिलालेख में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13वां आपका बिल्कुल सही है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। लेकिन देखिएगा जो प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों यहां पर वो आपके 100% याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट है, मौर्य काल कब से कब तक रहा था? बताना होगा मौर्य काल का जो शासन हुआ था वो कब से कब तक रहा था? ऑप्शन आपके सामने है, तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि मौर्य राज का जो शासन हुआ था वो यहाँ पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें जो महत्वपूर्ण शासक आपको याद करने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद करना है, बिंदुसार आपको याद करना है, अशोक आपको याद करना है दोस्तों यहां पर, और लास्ट शासक बृहद्रथ आपको याद करना होगा दोस्तों यहां पर। ये चारों शासक आपको यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक, और ये आपको पूरे याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, दक्षशिला विश्वविद्यालय, या फिर उज्जैन विश्वविद्यालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर दक्षशिला विश्वविद्यालय। और ये दक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों यहां पर एक बार जलाया गया था दोस्तों यहां पर, जो कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था दोस्तों यहां पर, जिसमें 3 महीने तक जलता रहा था दोस्तों यहां पर। ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतनी अधिक पुस्तकें थी दोस्तों यहां पर, जो कि ये 3 महीने तक जलता रहा था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस को परास्त करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, अशोक, अमित्रघात या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सेलुकस निकेटर को परास्त करने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 322 में इसको परास्त किया था, सॉरी 305 में इसको परास्त किया था, 305 में, सॉरी देखिएगा 322 में तो गद्दी पर बैठा, 322 में यहाँ पर परास्त किया था किसको? सेलुकस निकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलुकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा था? महेंद्र को, मेघसनीज को, रक्षित को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघसनीज को भेजा था दोस्तों यहां पर। और मेघसनीज से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसी ने की थी, मेघसनीज ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन आपके सामने है, इसको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सम्राट अशोक के समय विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारकों के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें से यहां पर देखिएगा, असत्य पूछा है, जी हाँ, तो सत्य है, सत्य पूछा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी सत्य है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, सोन और उत्तरा को भेजा था दोस्तों यहां पर स्वर्ण भूमि पेगू में, महेंद्र और संगमित्रा को भेजा था दोस्तों यहां पर श्रीलंका, और महारक्षक को भेजा था दोस्तों यहां पर यवन प्रदेश भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों यहां पर आपकी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है महेंद्र और संगमित्रा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कलिंग नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? बताइएगा, सांची स्तंभ लेख में, सारनाथ में, ब्रह्म लिपि में, या फिर भाभू अभिलेख में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाभू अभिलेख में, और ये भाभू अभिलेख कहां मिला था? ये बैराट सभ्यता के अंतर्गत मिला था दोस्तों, यहां पर जयपुर में, बैराट की पहाड़ियों में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के किस शासक का शासन था? बताइएगा, अजातशत्रु का, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का, या फिर घनानंद का, या फिर नागदशक का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद का था दोस्तों। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज कौन था? यूनान का शासक, सेलुकस का राजदूत, या फिर सेलुकस का सेनापति, या फिर चाणक्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये सेलुकस का राजदूत था, जो कि भारत में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्ण नगरी, उज्जैन, वैशाली, या फिर दक्षशिला? तो आपको पता है दोस्तों यहां पर दक्षशिला में विद्रोह हुआ था दोस्तों, यहां पर उसको दबाने के लिए दोस्तों यहां पर, यानी कि अशोक को भेजा था इसके पिता ने। इसका पिता कौन था? बिंदुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, या फिर संस्था एवं संचार, या फिर खोजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये गूढ़ पुरुष कौन होता था? ये गुप्तचर होते थे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, राहुल, कुणाल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुणाल था दोस्तों यहां पर। कुणाल गद्दी पर बैठा था अशोक के बाद, लेकिन अशोक के बाद कुणाल जब गद्दी पर बैठा था, तब यहां के साम्राज्य के दोस्तों यहां पर इतना जो साम्राज्य था वो प्रभावशाली नहीं रहा था दोस्तों यहां पर, क्योंकि अशोक ने सब कुछ त्याग दिया था दोस्तों यहां पर कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाख दत्त, या फिर कालिदास, या फिर विष्णुगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बताना होगा करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, कनिष्ठ, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर, यानी कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? दोस्तों आपको पता है यहां पर, यानी कि बहुत से राजदूतों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजेता के लिए निकल पड़ा, या फिर बाहरी रक्तपात देकर युद्ध की नीति कुशादा के लिए त्याग दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बाहरी रक्तपात देकर युद्ध की नीति कुशादा के लिए इसने त्याग दिया था दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? एक देवी कहा जाता है, या फिर एक धार्मिक संप्रदाय है, या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, या फिर ऊसर भूमि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यहां पर सीता को कहा जाता है, सीता कहा जाता है दोस्तों यहां पर आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, उज्जैन, दक्षशिला, या फिर यहां पर स्वर्णगिरी, या फिर कौशाम्बी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर उज्जैन का था दोस्तों यहां पर। देखिएगा, अवंती भी आता है, अवंती का राजपाल था, लेकिन अवंती जो किसके दायरे में आती है? वो उज्जैन के दायरे में आती है दोस्तों यहां पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? पिछले आरपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, 11, 12, 14 या फिर 15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये 15, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, 15 अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर आधारित है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बताना इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या फिर उपगुप्त या फिर बिंदुसार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बृहद्रथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर 70 क्वेश्चन क्रैक कर दिए, प्लीज बताइएगा कि यहाँ पर मौर्य वंश का साम्राज्य और यहाँ पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पर वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके अपने ग्रुप पर जुड़ जाइए पिंकेश मीनार राजस्थान टेलीग्राम जीके पर दोस्तों यहाँ पर, वहां पर इसकी क्यूज आपको कराई जाएगी दोस्तों यहाँ पर, रोज कराई जाती है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और जितना हो सके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर अपने भाइयों के साथ दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उस जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो गुप्त राजवंश से संबंधित आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा कनिष्ठ इसमें जो भी छोटे मोटे साम्राज्य है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुगल साम्राज्य की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा आपके लिए।